हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम रैना आर्ट्स। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये जो हम पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं वो एक्ट्रेस को इंडिया में हर कोई पसंद करता है। बता देता, एक्ट्रेस का नाम है रश्मिका मंदाना, जो नेशनल क्रश के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सब बताने लायक में आप जानते हो क्या है। तो ये फोटो जब मैं इंस्टाग्राम पे देखा, वो इंस्टा रश्मिका मंदाना ने पोस्ट की थी, तो मैंने जब देखा तो इसको सेव करके रखा कि कभी ना कभी तो ज़रूर बनाएंगे। और ये जो इनका लुक है अभी का, बहुत ही मज़ेदार है और देखने लायक भी है। इस जब मैं इसको देखा तो मुझे लगा नहीं, इसको भी ड्रॉ करना चाहिए। रश्मिका मंदाना का एक बार मैंने काफ़ी दिन पहले भी ड्रॉ किया था, तो वो बहुत ही अच्छा बना था, लेकिन उस टाइम के लिए। अब के लिए देखता हूँ कि कैसा बनता है, काफ़ी बेहतर ही बनेगा उससे। तो बताना ये था कि जब मैं वो वाला स्केच ड्रॉ किया था, पहले वाला, उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब मैं रिसेंट वाले स्केचेस से कंपेयर करके देखता हूँ तो फीका लगता है। ये इम्प्रूवमेंट का कमाल है। तो मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा, ये वाला पोर्ट्रेट और वो वाला पोर्ट्रेट दोनों को कंपेयर करके मैं दिखाऊंगा कि कहाँ थे हम और कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक वीडियो बनाएंगे। और बात करते हैं ये स्केच का, तो ये जो स्केच है मैं आपको दिखाता हूँ। देख, ये आउटलाइन कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आउटलाइन ग्रिड मेथड से बनाया था। ग्रिड मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है कमीशन वर्क के लिए, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, अपने स्किल में ग्रोथ करना चाहते हो, तो ग्रिड मेथड को नहीं अपनाइएगा। अपनाने के लिए कोई दूसरा मेथड अपनाइएगा, लुमिस मेथड अपनाइएगा या फ्री हैंड मेथड अपनाइएगा, क्योंकि ये सीखने के लिए वो सबसे बेस्ट मेथड है। ये सिर्फ कमीशन वर्क के लिए, एक अच्छा आउटलाइन बनाने के लिए। लेकिन ये अगर कहीं पर आप रैंडमली किसी चीज़ का भी ड्रॉ करना चाहोगे तो हमेशा ग्रिड तो नहीं बना पाओगे ना, इसीलिए फास्ट स्केचिंग के लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। कमीशन वर्क के लिए अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो ये एक अच्छा फ्रेम में लगाने के लिए, इसलिए हम ग्रे मेथड इसमें अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अभी कुछ बॉडी का पोर्शन जो हम बनाएंगे इसके बाद प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद दिखाएंगे आपको। और इसका पूरा कंटिन्यूअस वीडियो अब मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूअस शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना ज़्यादा मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है। अब इसका हम स्टार्टिंग करेंगे हेयर से। ठीक है, कुछ पोर्शन हेयर का कंप्लीट करेंगे, कुछ फेस का कंप्लीट करेंगे और वीडियो क्लोज कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट पोर्शन लेके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये स्केच को कंप्लीट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करके फिर वापस आके वीडियो को पूरा देखो, तब जाके आप कुछ सीख पाओगे। मैं भी ऐसा करता था। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं तो मैं भी उनका नाम ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे सौरभ जोशी आर्ट्स, मैंने उनका भी बहुत सारा स्केचेस देखा, अब तो वो ब्लॉगिंग में उतर गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। और एक हाइपर रियलिस्टिक सिखाते हैं, आर्ट बाय अली हैडर, उनका स्केच कभी मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब ये स्केच पे हम फोकस करते हैं, ये स्केच को हम पूरा कम बनाते हैं। दोस्तों, ये जो स्केच होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बाल के लिए चारकोल यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में सिर्फ चारकोल यूज़ करूँगा, ग्रेफाइट मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला हूँ बाल के पोर्शन में, क्योंकि बाल हमको ज़्यादा डार्क दिखाने, ज़्यादा काले दिखाने, तो ग्रेफाइट से ज़्यादा काला होता नहीं है, तो इसीलिए मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं फेस सेडिंग करूँगा तो उस समय मैं ग्रेफाइट यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मेकअप ब्रश, जो काफ़ी अच्छा लुक देता है। मेकअप ब्रश चारकोल पूरा का पूरा बिखेर देता है, जहाँ जितना पोर्शन हमें ब्लैक दिखाना है उतना में। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है।
ब्रश, ठीक है। तो अब कंटिन्यू देखो वीडियो और लास्ट तक देखना, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला बिल्कुल ट्यूटोरियल टाइप का होने वाला है, ठीक है। मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, कैसे कैसे यूज़ करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को एंजॉय कीजिए और लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड करते हैं आप जस्ट आपके मनोरंजन के लिए, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं, इसके आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए मैं आपको अपने अंदर दिल से कहता हूँ थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा मेहनत का फल मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।